How's it going, people? Good morning. How's everyone doing? I hope you're doing absolutely fine. Welcome back to my channel. कल ही वीडियो अपलोड किया है और आज वापस से मैंने कैमरा उठा लिया है बिकॉज टिल द टाइम आई डोंट लिव द कैमरा अगेन एंड अगेन वीडियो नहीं बनेगा. नहीं, कैमरा उठाया था, बस वीडियो बना नहीं उठाया था. तो व्हाट आई डिसाइडेड इज एवरी सिंगल डे आई एम गोना पिक अप द कैमरा एंड आई एम गोना ट्राई एंड शूट अ व्लॉग. बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, दैट इज फाइन, दैट इज वो सेकेंडरी है. कैमरा उठाऊंगा मैं 100%. मैं अभी अभी जिम से आया हूँ और जिम के आने के बाद सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन शेक. कान बंद कर लो. द एजेंडा फॉर टुडे इज आई हैव टू गो फॉर अ रीडिंग. रीडिंग मतलब दिस इज अ स्क्रिप्ट. दिस इज अ स्क्रिप्ट ऑफ अ शो दैट आई एम डूइंग. शो का नाम पे ये मैं अभी नहीं पता. आई हैव साइंड एन एग्रीमेंट दैट आई कैनॉट डिस्क्लोज इट. इट्स कॉल्ड एन NDA. बट इसकी मैं रीडिंग पे जा रहा हूँ आज. रीडिंग क्या होती है? रीडिंग ये होती है कि सारे एक्टर्स जो सारे जो कास्ट मेंबर्स होते हैं दे सिट ऑन अ टेबल. एवरीवन हैज देयर स्क्रिप्ट्स एंड दे रीड थ्रू द स्क्रिप्ट. तो जिसके जो डायलॉग है वो वहाँ पर पड़ेगा. तो आज वो रीडिंग के लिए जा रहा हूँ. एंड या आई एम प्रीटी एक्साइटिंग. इट्स वन ऑफ माई फर्स्ट रीडिंग्स. और मैंने जितना मैंने पढ़ा है अब तक इट्स गोना बी अ गुड शो. लाइक आई एम ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. जब आप इस फील्ड में हो तो एज एन एक्टर यू ऑलवेज हैव दिस कॉन्स्टेंट थॉट कि शायद ये रोल, कि शायद ये पार्ट या फिर शायद ये कैरेक्टर विल गिव मी इनफ एक्सपोजर टू ओपन न्यू डोर्स. हर एक्टर के दिमाग में ये होता है कि शायद ये दिस माइट जस्ट डू इट. आई फील दिस माइट जस्ट डू इट. ठीक है, दिस माइट जस्ट पुट मी ऑन द मैप. I'm at the reading right now and obviously reading dikha nahi sakta, but the place that I'm at, the director's house, it's a proper pad. Matlab, oh man, like aisa ghar ho, aisa hi bachelor ka ghar ho na, maza aa jaye. इतना बड़ा अल्कोहल कलेक्शन देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि भाई शौकीन आदमी है और अरे भाई बहुत दारू पीता होगा. नहीं, द मैन डजंट ड्रिंक. मैं भी सरप्राइज था कि इतना बड़ा कलेक्शन रखा है, भाई सर पीते ही नहीं. बट इनके मूवीज़ का कलेक्शन हो. सो फाइनली रीडिंग तो ख़त्म हो गई और इट वॉज लाइक ये मेरी पहली रीडिंग थी. अब तक ऐसी रीडिंग कभी करी नहीं मैंने. और इतने सारे कास्ट मेम्बर्स के साथ बैठ के अपनी स्क्रिप्ट पढ़ना एंड विजुलाइजिंग द एपिसोड, विजुलाइजिंग ऑल द एपिसोड्स इन फ्रंट ऑफ यू वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड काफ़ी कुछ सीखने में मिलता है इससे. स्क्रीन प्ले सीखने मिलता है और कैसे, जैसे एक बार आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली तो उसके बाद वो ऑन फिल्म कैसी आएगी, वो उसका ट्रांजिशन देखने मिलता है. सो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. द नेक्स्ट डे वॉज माई कॉस्ट्यूम ड्राइव. कॉस्ट्यूम ट्रायल और लुक टेस्ट ये होता है कि जो आप कैरेक्टर प्ले करते हो तो उसके ऊपर वो टाइप के कपड़े कैसे लगेंगे, ऑन कैमरा कैसे लग रहे हैं, तुम्हारा लुक कैसा लग रहा है ऑन स्क्रीन. दैट इज़ व्हाट कॉस्ट्यूम ट्रायल एंड लुक टेस्ट इज़ फॉर.
Alright, so I'm done with my costume trial. See, होता क्या है ना जब भी आप कोई वेब शो वगैरह शूट कर रहे हो या फिर कोई कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट शूट कर रहे हो, so you're not allowed to disclose what, like, you're not allowed to disclose what you're shooting, your look, दूसरे लोगों का look. जो एजेंसी होती है ना वो काफ़ी सारे क्लॉजेज लगा देती है, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी डिस्क्लोज़ किया तो मेरे ऊपर पता नहीं कितने सारे फाइन और एक्शन हो सकता है, ऑब्वियसली बिकॉज दे प्लान अ लॉट फॉर द शूट. बट इट्स फन टू शो यू द प्रोसेस. फन टू शो यू द प्रोसेस से मेरा मतलब है कि जब आप एक शो देखते हो ऑन स्क्रीन, जब कोई भी वेब शो देखते हो या फिर कोई एड देखते हो या फिर कोई मूवी देखते हो, तो वो आप फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हो. That's the final product that you see. Now, how that product is made, wo the entire process is very interesting. जो तीन घंटे बनते हैं या फिर जो एक शो बनता है, शो का एक एपिसोड चलो मान लो आधे घंटे का है, पर वो आधे घंटे के पीछे कितना लंबा प्रोसेस है, that process is very nice. And sometimes a lot of people are interested in that process. बहुत काम जाता है एक शो बनने के पीछे. And hopefully on set also I will try and shoot something if I'm allowed to. And baki that's about it, man. And yes, ye jo piche dikh raha hai ye try kar raha hu, camera naya hai, thoda experiment kar raha hu is pe, manual pe hum log shoot kar rahe hain aur ye filhal bahut untidy hai. Ye maine aaj aise hi laga diya, test kar raha hu main. Bola chalo test kar raha hu to chalo laga dete kuch. Ye lights leke aaya hu, so एक बार सेटअप होता है ना मैं पूरा उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा. आई एम गोना सेटअप दिस वॉल. सत्या भी आई थिंक 3-4 दिन में आ रहा है, तो साथ में वो हेल्प हो जाएगी. तो ये वॉल सेटअप करूंगा फॉर शूटिंग इन दिस डायरेक्शन एंड होपफुली वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी. बाकी या दैट्स अबाउट इट मैन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो. आई होप यू एन्जॉयड दिस सेटिंग राइट हियर. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू लाइक इट सो आई कैन कंटिन्यू. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक इट ईजी. प्लीज़ Please subscribe.